हेलो दोस्तों, हमारी देश में पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी कभी खत्म नहीं होगी, ये बात तो तय है। अगर किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के साथ आपकी और हमारी तरह कोई भी नॉर्मल इंसान जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है वो हाथ धो बैठता है, तो उसके साथ क्या होने वाला है, इसका जीता जाता प्रमाण है अनअकैडमी का एक ट्यूटर करण सांगवान। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद करण सांगवान ने सीआर लॉ कॉलेज हिसार में एक साल काम किया। उसके बाद 2021 में उन्होंने आन अकेडमी को ज्वाइन किया। करण संगवा ने 12 अगस्त को अपनी खुद की यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला पर एक वीडियो अपलोड किया। उस वीडियो में उन्होंने संसद के मानसून सत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पेश किया गया 3 नया क्रिमिनल लॉ बिल्स को क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि क्रिमिनल लॉस के ऊपर उन्होंने जितने भी जो भी नोट्स बनाए थे वो सब बेकार हो गया, क्योंकि मानसून सत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिमिनल लॉस के ऊपर नया बिल पेश किया था। और उस वीडियो में सांगवान ये भी कहती है, मुझे ये भी नहीं पता मैं हंसू या रो, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे बीआरएक्स कैसलोर्स और नोट्स है जो मैंने तैयार किए थे। और सांगवान ये जो बीआरएक्स कैसलोर्स और नोट्स की बात कर रहा था, ये उस क्रिमिनल लॉस के बारे में पता मैं रोऊं या हंसू, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बीआरएक्स हैं, बहुत सारे कैसलोर्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। अगली बार जब भी अपना वोट दो तो किसी पढ़े लिखे आदमी को वोट देना, और यही बात इस कंट्रोवर्सी का असली जड़ होता है, जिसके बाद ये वीडियो ट्विटर पर काफी ज्यादा वायरल हो जाता है। हालांकि करण संगवान ने इस वीडियो के माध्यम से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल लीडर की नाम नहीं लिया, जबकि कुछ स्टूडेंट्स ने उनकी इस बात को सपोर्ट किया, लेकिन काफी लोगों ने उनकी इस बात को क्रिटिसाइज किया। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने अनअकैडमी पर एंटी मोदी प्रोपागेंडा को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। उसके बाद अनअकैडमी करण सांगवान को सस्पेंड कर देती है, और अनअकैडमी का को फाउंडर रोमन सैनी ट्वीट करती है, हम जो कुछ भी करते हैं उसका केंद्र हमारा स्टूडेंट्स होता है। क्लासरूम्स पर्सनल ओपिनियन शेयर करने की जगह नहीं है, उससे स्टूडेंट्स गलत तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। और करण संगवान को कोड ऑफ कंडक्ट कह के सस्पेंड कर दिया जाता है। और करण संगवान का टर्मिनेशन का न्यूज वायरल होते ही ट्विटर पर हैशटैग अनइंस्टॉल अनअकैडमी ट्रेंड कर रहा था, और कुछ लोगों ने उनकी इस टर्मिनेशन को सही भी कहा। एक शख्स ट्वीट करती है, करण संगवान को टर्मिनेट करने के लिए धन्यवाद, उन्हें बेटरमेंट की बजाय स्टूडेंट्स को बेहतर एजुकेशन देने की प्रयास करनी चाहिए। और एक शख्स ट्वीट करती है, अनअकैडमी मद्रासा से कुछ कम नहीं है, ये कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोपागेंडा मशीनरी है। और अब दूसरे मजा लेने वाली ऑपोजिशन पार्टी इस मैदान में उतरती है। ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्सों ने इस टर्मिनेशन को बहुत क्रिटिसाइज किया, उनका कहना है कि ये टर्मिनेशन अनुचित है। 17 अगस्त को अरविंद केजरीवाल ट्वीट करती है, क्या पढ़े लिखे इंसान को वोट देने की अपील करना अपराध है? यदि कोई इंसान अनपढ़ है तो मैं पर्सनली उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है वो अनपढ़ नहीं हो सकते। और भी काफी ऑपोजिशन लीडर्स ने इसी तरह का भर भर के ट्वीट किया। इस सब को छोड़कर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, किसी भी इंसान की उसकी पॉलिटिकल एंगल के हिसाब से उसे उसकी नौकरी से निकाल देना नहीं चाहिए। ये बात भी सही है कि हजारों स्टूडेंट्स के सामने, लाखों स्टूडेंट्स के सामने उन्हें ये बात करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से, अलग अलग एंगल से इस बात को लेंगे और अपनी तरीके से इस बात को क्रिटिसाइज करेंगे। उससे भी जो बड़ी चीज है वो है अनअकैडमी। अनअकैडमी एक कंपनी है, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वो कभी भी नहीं चाहती है कि वो रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बोले, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस या अलग कोई दूसरी पार्टी। एक कंपनी को हमेशा रूलिंग गवर्नमेंट के साथ समझौता बनाए रखना होता है। उसका एक ही लक्ष्य होता है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। और शायद इसीलिए अनअकैडमी करण सांगवान को सस्पेंड कर दिया है। करण सांगवान का ये मामला खत्म होते ना होते ICS A2Z नाम का YouTube चैनल की एक वीडियो में बबीता मैडम कहती, ये सोचा करो जब तुम वोट डालने जाओ तो तुम्हारे 5 साल की तुमने सारी जितनी नौकरियां निकलेंगी, जिस हिसाब से भर्ती होंगी, जो स्कूल्स का स्टैंडर्ड है, कॉलेजेस का, वो सब तुमने इनके हाथ में दे दिया, क्योंकि यही नौकरी निकालने वाले, यही रोजगार देने वाले, यही स्कूलों के स्तर पे कमांड कसने वाले सभी ऐसे। इसलिए बेटा पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया में। जब आप वोट देने जा रहे हैं, याद रखिए कि आप उन्हें 5 साल के लिए सौंप देंगे नौकरियां स्कूल कॉलेज में भर्ती होगी। यही करना एक एडुकेटेड आदमी को वोट देना। ऐसी मुद्दे पे आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।